ये आप देख सकते हैं सारा कंक्रीट और क्रश के लिए सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे तैयार होता है। और यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया, बाहर साइड से एक व्यू आपको दे देता हूँ स्टेडियम का। ये देखें जी, ये बाहर साइड का व्यू, यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये हॉस्टल, यहाँ पे भी वर्कर्स आपको दिख रहे होंगे, इंजीनियर्स यहाँ पे खड़े हैं काम कर रहे हैं। और साथ ही में मैं आपको जो जहाँ से मेन गेट है, जहाँ से आप बाहर जाते हैं, वहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेफ़्ट और राइट साइड पे जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, उसके लिए क्यारियाँ, यहाँ पे क्यारी बन जाएगी। और ये चीज़ें जो सेवरेज का सिस्टम है वो अंडर ग्राउंड हो जाएगा, ऊपर इसकी क्यारी आ जाएगी थोड़ी सी, मतलब इसकी ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी, यहाँ पे पौधे मौधे लग जाएंगे इस तरह से। इस साइड पे भी ये सामने सिक्योरिटी सिस्टम है लेफ़्ट और राइट साइड पे, देखिए। और यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं इस तरह से। ये यहाँ से बसेज आगे जाएंगी स्टेडियम की तरफ। यहाँ से हॉस्टल का भी एक व्यू देख लें। और ये सारा सेवरेज का सिस्टम वगैरह जो वो भी कवर कर दिया है इन्होंने साइड। ये देखें जी, यहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे सारा लेवलिंग का काम किया जा रहा है। ये कुछ वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सामने इंजीनियर भी खड़े हैं। साथ ही साथ ये देखिए नीचे वाला स्टैंड, इस पर एक बार आ जाते हैं, फिर दूसरी बार भी इसके ऊपर पेंट वगैरह कलर वगैरह करते हैं, फिर तीसरी बार इस तरह फाइनल लुक फिर आपको देखें कुछ इस तरह से देखता है, बिल्कुल कवर हो जाता है। तमाम तर स्पॉट्स जो हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाते हैं। साथ में वहाँ पर रगड़ाई का काम भी हुआ है। ये नीचे का स्टैंड है लेफ्ट साइड वाला, और बीच में यहाँ पे स्टेप्स भी डली हैं। देखें, ये आप ख़ुद नोट करते जाया करें, क्योंकि मैं अक्सर ये शेयर नहीं कर पाता, लेकिन डिटेल वीडियोज़ में बता देता हूँ। ये देखिए, ये सारी कंक्रीट हुई हैं, बीच बीच में जो स्टेप्स हैं ये अच्छी तरह से कलर हो गए। देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर कलर जितना भी, ये वह बाहर साइड से जो है ग्रे ग्रे है, और अंदर से ये थोड़ा आप कह लें येलोविश वाइट्स है। सो कहने का मतलब ये है कि तमाम तर ब्यूटिफिकेशन का काम भी साथ साथ हो रहा है। देखें, क्लोज व्यू देखें, उसकी खूबसूरती निकल के आ रही है आस्ता आस्ता। ये सारा इन्होंने कवर कर लिया, साथ में ये नीचे नीचे काम भी होता जाता है। दो बड़े ट्रसेस यहाँ पे भी बिल्कुल रेडी पड़े हैं, ये भी रेडी हैं पर लगने के लिए। सो ट्रसेस लग जाएंगे। ये देखें, यहाँ से ये लेवल में भी दिखते हैं सारे, सामने से मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर ये एंगल में आप, मतलब दूसरी साइड से आप देख रहे होते हैं, या एंगल टेढ़ा होता है, तो आप कहते हैं कि ये लेवल में नहीं है। ये देखें, ये लेवल में, अब यहाँ सामने से देखें, और इसको मज़ीद भी लेवल किया जाएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, फिर इसको लेवल भी करेंगे। मज़ीद ट्रसेस भी यहाँ पर इस तरह से नीचे इसका नाप रखा जाता है, फिर ऊपर मज़ीद इसको बनाया जाता है। ये देखें सामने जी, मशीनरी स्टार्ट कर दी गई है, और अब ये तमाम तर ऊपर स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। तो काम हो रहा होता है, दिखाने का मकसद ये है। अक्सर मैं उस टाइम में अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ जिस टाइम में सारे वर्कर्स की छुट्टी हो जाती है, तो आप लोग सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा होता। काम देखें हो रहा है, लाइक तो बनता है इस पर। और थोड़ा सा बाउंड्री फेंस का मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि बाउंड्री फेंस नहीं होनी चाहिए, भाई देखें ये उस तरह से बाउंड्री फेंस नहीं है, इसको प्रॉपर कलर किया जाएगा और इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम होगा। इस तरह से नहीं होगी, इसके ऊपर कलर भी होगा, तो ये आपको बिल्कुल न्यू दिखेंगी। और ये बाकी दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल स्टैंड्स के करीब हैं, आपको प्लेयर्स नज़दीक दिखेंगे। मैंने कितनी बार आपको दिखाया भी है कि नेशनल स्टेडियम कराची, लाहौर, उस या पिंडी की तरह दूर नहीं है, आपको नज़दीक से आपको प्लेयर्स नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ मैं आगे जाता हूँ, यहाँ नीचे भी काम हुआ, बहुत ज़्यादा शोर है, तो कंप्रोमाइज़ कर लें, काम हो रहा है तो ये तो होता ही है। ये देखें, यहाँ से भी एक नज़ारा देख लें, बिल्कुल आपके स्टैंड के पास ही है ये बाउंड्री फेंस, तो दूर नहीं होगा ये। ये सारा कंक्रीट होगा, फिल होगा। और यहाँ पे ये स्टैंड देखें, ये नीचे रेनोवेट हुए हैं, और नीचे से भी ये काम देख लें ज़रा, यहाँ इस साइड पे भी। ये मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कौन सा स्टैंड है। तो ये वो सामने वाले स्टैंड है,
आई थिंक ये C1 C2 ये E है, ये E है, फिर वो D1 D2 है। बाकी पवेलियन का तो उसमें एज सच इतना कुछ ख़ास काम है नहीं, बस अंदर साइड पे थोड़ा बहुत फाइनल टच वगैरह जो सीलिंग है इस तरह, इलेक्ट्रॉनिक का काम तो सारा हुआ हुआ, बिजली वगैरह का बस सीलिंग का काम आप कह लें कि वो रहता है, और मीडिया बॉक्स भी कंप्लीट है, इसमें भी बस इनसाइड जो काम है वो सिर्फ रहता है। बाकी ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, ऑलमोस्ट बड़ा काम हमने सारा कवर कर लिया, और डिटेल अपडेट्स जो हैं वो फिर हम कभी कभी टाइम के साथ साथ, ये देखिए यहाँ पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहने का मकसद ये है कि जगह जगह पे कर रहे होते हैं, दिखाना पड़ता है आपको। खैर डिटेल अपडेट्स हम कवर करते रहेंगे, वो इशू नहीं है, और इस तरह बड़ी हाईलाइट्स वाली अपडेट्स जो है उसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सो होपफुली आपको सारी अपडेट क्लियर होगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली बार, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ योर बॉय हामिद ऑफिशियल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह।